नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं तो कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं ही नहीं जुटा पाते हैं। इसके पीछे कई तरह के कारण जिम्मेदार होते हैं। इसमें कुंडली के ग्रह नक्षत्र और वर्क प्लेस में वास्तु दोष, व्यक्ति के कर्म, भाग्य आदि वजह होते हैं। कुछ लोग पैदाइशी तौर पर बेहद लकी होते हैं, इसके चलते इन लोगों को अपने जीवन में जल्द ही सब कुछ मिल जाता है। व्यक्ति कितना भाग्यशाली है इसका पता उसके हाथ की रेखाओं, निशानों, चिन्ह, तिलों आदि से चलता है। यदि हथेली में कुछ खास शुभ चिन्ह हो तो जातक अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है, साथ ही खूब मान प्रतिष्ठा, ऊंचा पद और ऐश्वर्य पाता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में शुक्र पर्वत अच्छी तरह उभरा हुआ हो तो वह जातक अपने जीवन में कभी न कभी खूब अमीर बनता है और वह अपने जीवन में सारे सुख पाता है और लग्जरी लाइफ जीता है। यदि शुक्र वर्ग पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो जातक की शादी के बाद धनवान बनता है और वह शादी के बाद खूब सफलता पाता है और उसे हर कदम पर अपने लाइफ पार्टनर का बड़ा सहयोग मिलता है। वहीं शुक्र पर्वत पर वर्ग का निशान होना जातक का विवाह अमीर और प्रतिष्ठित खानदान में कराता है, उसे बहुत रईस और प्रभावशाली ससुराल मिलता है। हाथ में तीन स्पष्ट मणिबंध रेखाओं का होना जातक को अमीर भी बनाता है, साथ ही उसे नॉलेजेबल भी बनाता है। ऐसे जातक अपने पिछले जन्म के कर्मों का शुभ फल प्राप्त करते हैं। हथेली में अच्छी तरह से विकसित गुरु पर्वत का होना भी जातक को अमीर और मशहूर बनाता है। ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में जाएं तेजी से सफलता पाते हैं, वे ऊंचा मुकाम पर पहुंचते हैं। शनि पर्वत पर मजबूत या उभरा होना जातक को बेहद प्रभावशाली और सशक्त लीडर बनाता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत के दम पर नाम और पैसा कमाते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।